नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत है। जो आज हम जो लेसन करने जा रहे हैं वो है द लास्ट लेसन यानी अंतिम पाठ। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और चलो देखते हैं लेसन के बारे में। द नरेटर यानी वर्णन करता वॉज स्केर्ड ऑफ गोइंग टू स्कूल दैट मॉर्निंग, यानी जो लेखक थे वो स्कूल जाने से उस दिन सुबह डर रहे थे। बिकॉज क्योंकि पहली बात तो ही वॉज़ वेरी लेट दैट मॉर्निंग, क्योंकि वो सुबह बहुत लेट हो गए थे, और दूसरी बात ही डिड नॉट प्रिपेयर पार्टिसिपल्स, और उन्होंने पार्टिसिपल टॉपिक पर पार्टिसिपल भी तैयार नहीं किए थे। ऑल्सो ही वॉज स्केर्ड ऑफ स्कोल्डिंग फॉर दैट, और उसके लिए उन्हें एंड डांट फटकार होगी इससे वो भयभीत भी थे, क्योंकि उन्होंने पार्टिसिपल पर लेसन प्रिपेयर नहीं किया था। अगला है द नरेटर्स नेम वॉज फ्रेंज, यानी जो नरेटर है उनका नाम था फ्रेंज। अगला है व्हेन फ्रेंज पास द टाउन हॉल, यानी जब फ्रेंज टाउन हॉल के पास से गुजरा ही सॉ अ क्राउड, उसने भीड़ देखी इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड के आगे उसने भीड़ देखी। जब भी वो भीड़ देखता था तो कोई ना कोई बुरी खबर आती थी। ही एक्सपेक्टेड, उसने आशा किया सम बैड न्यूज ऑन इट, कि कुछ न कुछ उसके ऊपर बैड न्यूज ही होगा। अगला है द विलेज पीपल वेयर सिटिंग क्वाइटली ऑन द बैक बेंचेस, यानी जो गांव के लोग यानी चुपचाप बैठे थे ऑन द बैक बेंचेस यानी पीछे के बेंचों पर, वेयर ओल्ड हाउसर, उसमें थे ओल्ड हाउसर द फॉर्मर मेयर यानी भूतपूर्व मेयर, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर भूतपूर्व पोस्ट मास्टर एंड सेवरल अदर्स, और कई अन्य लोग भी थे। दे वेर लुकिंग वेरी सैड, वो बहुत दुखी दिख रहे थे अपन नोइंग ये जानकर अबाउट जर्मन ऑर्डर्स, यानी जर्मनी से जो ऑर्डर आया उसके बारे में जानकर वो बहुत ज़्यादा दुखी थे। मिस्टर हेमल सेड, एंड मिस्टर हेमल ने कहा दैट इट वॉज हिज लास्ट लेसन, कि ये उनका अंतिम पाठ होगा। बिकॉज क्योंकि एन ऑर्डर हैड कम, क्योंकि आदेश आ चुका है फ्रॉम बर्लिन से कि टू टीच ओनली जर्मन, कि केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी इन द स्कूल ऑफ ऑल्सेक एंड लोरेन और ऑल्सेक स्कूल में केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। इसलिए उन्होंने कहा कि ये मेरा लास्ट लेसन है, क्योंकि ही वॉज अ टीचर ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, क्योंकि वो एक फ्रेंच लैंग्वेज के अध्यापक थे फ्रेंच लैंग्वेज के। When friends heard, जब friends ने सुना that it was his last lesson in French, यानी कि उसका French भाषा में ये उसका last lesson होगा, he was shocked, यानी वो उसे एक बहुत बड़ा झटका लगा, यानी ये बात सुनकर। His attitude, उसका दृष्टिकोण toward his books, यानी उसके किताब की ओर, and his teacher, और उसके अध्यापक की ओर completely changed, पूर्ण रूप से बदल गया। His books, उसकी किताबें यानी फ्रेंड्स की किताबें, सडनली अचानक टर्न टू बी हिज ओल्ड फ्रेंड, अचानक ऐसे लगने लगा कि ये उसकी कोई पुरानी मित्र है। ही फॉरगेट अबाउट द टीचर रूलर, वो अध्यापक के डंडों के बारे में भूल गया, एंड हिज बैड टेम्पर, और उनके बुरे गुस्से के बारे में भी भूल गया, यानी गुस्से वाले मिजाज को भी, टेम्पर को भूल गया। फ्रेंड्स एंड Not been able to learn much at school, यानी फ्रेंच यानी समर्थ नहीं हुआ यानी स्कूल में ज़्यादा कुछ सीखने के लिए। because क्योंकि ही wasted, क्योंकि उसने बर्बाद किया his time, उसके time को for seeking birds egg, यानी पक्षियों को अंडे ढूंढने में, और going sliding on the sar, या फिर सार में फिसलने में, यानी इन चीज़ों में उसने अपना time waste किया। his book seems him a nonsense, और उसकी जो किताबें थी उसे वो बकवास लगा करती थी फ्रेंड्स को, इसलिए वो स्कूल में ज़्यादा कुछ नहीं सीख पाया। मिस्टर हेमल सेड अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, यानी मिस्टर हेमल ने फ्रेंच लैंग्वेज की भाषा में कहा, क्या कहा देखते हैं, इट वॉज मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कि ये एक बहुत सुंदर भाषा है पूरे विश्व में, इन द वर्ल्ड, संसार में। इट वॉज द क्लियरेस्ट यानी ये स्पष्ट एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, और ये न्याय संगत या तर्क संगत भाषा है। इट शुड नेवर बी फॉरगॉटन,
और इसे कभी भी नहीं भूला जाना चाहिए। When the church clock struck 12, और जब चर्च के क्लॉक में 12 बजे he stood up, मिस्टर एमल खड़े हो गए। He tried to say something, वो कुछ कहना चाहते थे, but he was overcome with emotion, लेकिन वो भाव से परिपूर्ण हो गए, भर गए, यानी उनसे कहा नहीं गया, यानी पूर्ण रूप से भावेश में आ गए, यानी भाव विहाल हो गए। ही रोट वीव ले फ्रांस, यानी उन्होंने लिखा कि फ्रांस जिंदाबाद ऑन द ब्लैकबोर्ड, ब्लैकबोर्ड पर उन्होंने लिखा वीव ले वीव ला फ्रांस, यानी फ्रांस जिंदाबाद। एंड डिसमिस द स्कूल, और उन्होंने स्कूल को डिसमिस किया यानी समाप्त कर दिया, विद द गेस्चर ऑफ हिज हैंड, यानी अपने हाथ के इशारों के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।